Good morning everyone how are you welcome back to the online class students in last class i explained the complete chapter chapter number 20 drop by drop from your evs book i hope you understood students today we will do the question answers of this chapter let's start chapter 20 drop by drop question answers Question number one is Question number one is from where do the people in Madhose village fetch water for from for drinking sorry water for drinking और आंसर इसमें क्या पूछा गया है कि माधो का जो गांव है वह है वहाँ के लोग पानी कहाँ पीने का पानी कहाँ से लेकर आते हैं तो देखिए वो कहाँ से लेकर आते हैं हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नियर बाय पॉइंट्स से लेकर आते हैं अगर वो सूख जाता है आ, 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 बारिश नहीं होती है वहाँ पर सूखा पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में क्या है माधव का गाँव कहाँ है राजस्थान में है और वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है है ना और वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है आपको पता है मैंने आपको चैप्टर में बताया था है ना तो वहाँ पर फिर क्या है ट्रेन के थ्रू टैंक में पानी आता है जहाँ जिसको वहाँ के लोग फिर वहाँ से ट्रेन से टैंक से ट्रेन की जो टैंक है वहाँ से पानी लेकर आते हैं ओके आर आंसर इज स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा इसका पीपल इन माधोस विलेज फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड ओके कहाँ से लेकर आते हैं पास के पॉन्ड से लेकर आते हैं सम टाइम गेट वाटर फ्रॉम अर ट्रेन दैट कैरीज वाटर जो कि ट्रेन है वाटर को कैरी करके लेके आती है जो उसके टैंक ट्रेन में टैंक लगे होते हैं उसमें पानी भरा होता है वहां से लोग पानी लेकर आते हैं जब वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है सूखा पड़ जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स और गर्मियों में ये ऐसा ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फैच इज वाटर इन माधोज हाउस माधो के घर में कौन कौन पानी लेकर आता है तो देखिए कौन कौन पानी लेकर आता है माधो भी लेकर आता है कभी वहाँ पर उसने बताया था कि टैंक्स बनाए जाते हैं उसको रेन के वाटर को कलेक्ट करने के लिए तो कभी कभी उनको अलाउ कर दिया जाता है कि टाटर माधो इज अलाउ कभी कभी कर दिया जाता है टेक वाटर फ्राम वन वन ऑफ द टैंक ऑफ द विलेज मतलब एक टंका से गांव में पानी लेने के लिए अलाउ कर दिया जाता है कभी कभी माधव तो वहाँ से माधव लेकर आता है माधो की सिस्टर और मदर पौट से पानी लेकर आती हैं एंड फादर उसके कहाँ से लेकर आते हैं कभी आ, जब वहाँ पे लेकर जाते हैं ट्रेन लेकर आती है पानी है ना पानी को जब हम उसे ट्रेन से लेकर आते हैं ना तो कैसे लेकर आते हैं वो वो लेके जाते हैं कैमल कार्ड लेके जाते हैं है ना उसमें रख के लेकर जाते हैं है ना गोज फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ड में है ना तो उसके फादर भी लेकर आते हैं सो स्टूडेंट्स आंसर इज माधो माधो सिस्टर मदर एंड फादर ओके okay? फादर फिर देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट का पार्ट ये रहा माधोज फादर फेचिस वाटर इन माधोज हाउस वन सेकेंड ये यहाँ पर थोड़ा ये फुल स्टॉप लगा हुआ है ये नहीं लगाना है आपको यहाँ पर सेकेंड इसको कट कर देना यहां से इरेज कर देना ठीक okay? है हमारा आंसर हो जाएगा माधो माधो सिस्टर मदर एंड फादर फेचिस वाटर इन द माधोज हाउस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाई जो कलेक्ट वाटर जो टंका में कलेक्ट किया जाता है उसका मोस्टली यूज़ होता है ड्रिंकिंग के लिए पीने के लिए वाई ऐसा क्यों है तो देखिए और आंसर हमारा ऐसा क्यों है जो है टंका में जो बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है उसको किससे ढक्कन से कवर करके रखा जाता है और जिन pipes के थ्रू उसको, उसको उसमें इकट्ठा किया जाता है टंका में उसको उसको भी बंद किया जाता है उसमें जाली लगाई जाती है जिससे किसी तरह की कोई धूल या किसी तरह के पत्ते मिट्टी कंकड़ उसमें ना जा पाए और वो पानी साफ रहे उसको आ, क्लीन करके उसको उस वाटर को भी क्लीन करके फिर ड्रिंक ड्रिंग पीने के काम में लाया जाता है सो स्टूडेंट्स आर आंसर इज द वाटर इन टंका इज़ फिल्टर्ड एंड कवर्ड जो पाटर पा, होता है टंका का वो फिल्टर होता है और कवर्ड होता है सो द वाटर कलेक्टेड इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग इसलिए जो पानी टंका में कलेक्ट किया जाता है उसको मोस्टली पीने में यूज किया जाता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर कैन दियर बी एनी अदर मैथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर क्या कोई आप बता सकते हैं कोई मतलब कोई और भी मेथड है वाटर को कलेक्ट करने के yes बहुत सारे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो सकता है यस यस वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स हम वाटर को कहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं बकेट्स में कलेक्ट कर सकते हैं ड्रम में कलेक्ट करके रख सकते हैं एंड टैंक्स एक्सेट्रा तो देखिए जो हमारे घरों में जहाँ पर पानी का पानी जो है आता है पाइपलाइन के थ्रू उनका टाइमिंग होती है बड़े बड़े शहरों में सुबह इतने इतने से इतने बजे तक आएगा शाम को इतने से इतने बजे तक आएगा तो जो वहाँ के लोग हैं वो वाटर को अपने वाटर को कैसे कलेक्ट करते हैं अपनी बकेट्स भरते हैं वहाँ पर ड्रम रखे होते हैं उनके घर में उनमें ड्रम्स में भर लेते हैं छत पर टैंक लगे होते हैं उनमें भर लेते हैं है ना उनमें फिल कर लेते हैं पानी को तो हम इन मैथड्स के थ्रू भी पानी को कलेक्ट कर सकते हैं आई होप स्टूडेंट्स यू अंडर यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स नाउ यू विल डू दीज क्वेश्चन Answers in your EVS notebook neatly. Okay, bye bye, students.